बाजार जैसा टेस्ट घर पे खाना हुआ बहुत ही ज़्यादा आसान। तो आज हम ट्राई करते हैं काठी कबाब की रेसिपी बिल्कुल यूनिक तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत रहती है काठी कबाब बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आजकल सबका कुछ ना कुछ अलग तरीके का खाना खाने का मन करता है, लेकिन बाहर का खाना हम नहीं खा सकते क्योंकि अभी भी हमारे मनों के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि पता नहीं बाहर का खाना हाइजीनिक होगा, प्योर होगा या नहीं। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, डिलीशियस, डिफरेंट सी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो देखने में, बनाने में जितनी डिफ़िकल्ट लगती है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे काठी कबाब की रेसिपी बहुत ही इजी और क्विक तरीके से, बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट की तरह और बिल्कुल प्योर एकदम हाइजीनिक। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि ऐसी ही डिफरेंट तरीके की रेसिपी आप तक जल्दी से पहुंच सके और आप भी उस रेसिपी को ट्राई कर सके। तो चलिए अपनी काठी कबाब की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने न्यूट्रेला की सोया बड़िया ली है, सोया चंक्स है ये। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर ईजिली अवेलेबल है। इसको सबसे पहले हम उबाल लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्विक तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आपको बिल्कुल बाजार जैसा ही टेस्ट आपके घर पर आएगा। यहाँ मैंने बड़े साइज़ की बड़ियों का साइज़ लिया है, या आपको मीडियम साइज़ की भी बाज़ार में अवेलेबल रहती है, लेकिन यहाँ हम बड़े साइज़ की सोया बड़िया लेंगे और इसको हम खुले पानी में 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे जिससे कि हमारी जो सोयाबीन की बड़िया है वो सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से हमारी जो काठी कबाब है वो बन पाएगा। सोया की बड़िया बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसलिए जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको ये अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, टेस्टी होता है और आपको लॉट्स ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप अपनी डाइट में सोया ज़रूर ऐड कीजिए। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं। देखिए बॉयल होने के बाद हमारी जो सोयाबीन की बड़िया हैं कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और ये एकदम सॉफ्ट हो गई है उबलने के बाद। अभी इसको थोड़ा सा और बॉयल होने देते हैं, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम इसको बॉयल करेंगे। हमारी बड़ियों को एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक छलनी की हेल्प से छानकर इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेते हैं। जब तक हमारी बड़िया अच्छे से ठंडी होती है तब तक हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच मैदा लिया है, या आप नॉर्मल रूटीन का जो आप चम्मच यूज़ करते हैं वही चम्मच मैंने यूज़ किया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और देगी लाल मिर्च जस्ट फॉर कलर, और इसका हम एकदम पकोड़े की तरह घोल बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। ये घोल ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, बिल्कुल हम जैसे पकोड़े का बैटर बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर घोल तैयार करना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा घोल तैयार है। अब मैं आपको काठी कबाब होता क्या है वो बताती हूँ। इसको हम साइड रख देते हैं। चलिए अब अपना काठी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरी सोयाबीन की बड़िया है जिसको मैंने उबाल कर छान कर साफ़ पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये हमने जो घोल बनाया है। अब हम अपनी काठी कबाब की स्टिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी टूथपिक पे
एक कैप्सिकम का टुकड़ा, हमारी सोयाबीन की बढ़िया, एक पनीर, एक और सोयाबीन की बढ़िया और एक प्याज का टुकड़ा, बस इसी को हम बोलते हैं काठी कबाब। इस तरह से हम अपनी सारी स्टिक्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारी काठी कबाब लगा के तैयार कर ली है। इसी को बाज़ार में काठी कबाब बोला जाता है, जिसको कि हम अपने बेसन और मैदा के घोल में डिप करके फ्राई करेंगे। इधर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें अपने घोल के अंदर एक एक करके अपनी काठी कबाब को डिप करेंगे और अपने गर्म घी में इसको डाल देंगे। सारे काठी कबाब हमने अपनी तेल में डाल लिए हैं। अब हम इसको गोल्डन कलर होने तक कुक करते हैं। एक बार पलट देते हैं, जिससे कि दूसरी साइड से भी हमारे काठी कबाब में एक अच्छा सा रंग आ जाए। और इसको दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर होने तक कुक कर लेते हैं। हमारे काठी कबाब को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बॉयल होने के कारण ऑलरेडी हमारी जो सोयाबीन की बढ़िया हैं वो सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। बस हम अपने बेसन और मैदा को थोड़ा सा कुक करने के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं और कलर चेंज होते ही हम इसको अपनी कढ़ाई से निकाल लेंगे। देखिए अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम अपने काठी कबाब को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अपनी एक ही कढ़ाई को हम यूज़ करते हुए इसका तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देंगे और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल हम अपनी कढ़ाई के अंदर छोड़ देंगे। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी गरम ऑयल के अंदर 2 से 3 लौंग की कलियां डालेंगे। इसमें डालेंगे काली मिर्च, एक इलायची, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हमारी लहसुन की कलियां, ग्रीन चिली, जिंजर जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और कटा हुआ प्याज, इसको भी मैंने रफली चॉप करके डाल लिया है, क्योंकि अभी हमें इसकी बाद में ग्रेवी बनानी है। इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेते हैं, जिससे कि हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम काजू, ये मैंने साबुत काजू लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से हमारे बेसिक स्पाइसेस, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इनको एक क्विक स्टर देते हुए इसमें हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, क्योंकि काठी कबाब थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो भुना जीरा डालने से इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट और अरोमा आके सामने आता है। और एट द एंड अब इसमें ऐड करेंगे रफली चॉप टमाटोज और इनको सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। इस
इसको मैं ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारी सब्जियाँ जो है वो हमारी कढ़ाई में चिपके नहीं। बट यहाँ मैं नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ तो मैं ऑयल और वाटर बहुत ही कम यूज़ करूँगी। अब इसको हम अच्छे से गलने तक कुक होने देते हैं। हमारा टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको मिक्सी के जार में डालकर एक प्यूरी बना लेंगे। उसके बाद हम एक और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, इसको ठंडा होने देते हैं। हमारी ग्रेवी अच्छे से ठंडी हो गई है, अब हम इसको एक जार में निकाल लेते हैं और इसका एक फाइन प्यूरी बना लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारी ग्रेवी के अंदर। अब हम दोबारा से नेक्स्ट प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए वापस से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। जी हाँ, इसकी प्यूरी, इसका जो तड़का है वो 2 बार लगाया जाता है, तभी इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छा अरोमा और टेस्ट आपको देती है। इसीलिए आपको बाजार का काठी कबाब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें डबल तड़का लगाया जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे एक तेज पत्ता। बाजार वाले इसमें और भी मसाले ऐड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरे घर पर स्पाइसेस अवेलेबल हैं मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे फाइन चॉप अनियन, इसको क्विक सॉटे करते हुए ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हमारी प्यूरी। कुक होती रहती है जिससे कि उनका और अच्छा अरोमा आ जाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अमूल की फ्रेश क्रीम फॉर मोर रिचनेस। इससे हमारी ग्रेवी और भी ज़्यादा क्रीमी और एकदम रिच लुक देगी, क्योंकि क्रीम डालने से हमारी जो ग्रेवी में टेस्ट है वो बिल्कुल बाजार जैसा आ जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए क्रीम डालते ही हमारी ग्रेवी का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। ग्रेवी को ढक देते हैं। इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 टमाटर की प्यूरी। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें डबल तड़का लगता है तभी इसका स्वाद एकदम बाजार जैसा आप ले पाएंगे अपने घर में। और इसको अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट तक कुक करते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, लो नहीं किया है। इसको हम जब तक कुक करेंगे जब तक कि ऑयल हमारी ग्रेवी प्यूरी से अलग ना हो जाए। इसको हम ढक देते हैं और ऑयल अलग होने तक कुक कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बढ़िया जो कि बच गई थी, उसको मैंने मिक्सी में चला लिया था। इससे हमारी ग्रेवी एकदम रिच बनती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर और अरोमा आता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, जिस मिक्सी में मैंने अपनी ग्रेवी को पीसा था उसमें थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था, इसलिए मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर उसको धोकर उसका पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इस ग्रेवी को 15 से 20 मिनट के लिए ढक के कुक करूँगी जिससे कि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और अपना ऑयल मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी ग्रेवी को बनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि काठी कबाब हमारा थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर देता है इसलिए हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला फॉर टैंगी फ्लेवर। यहाँ मैं कैच का चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ और इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। यहाँ मैं 1 चम्मच के आसपास हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी और इन सबको आपस में अच्छे से मिला देंगे।
देखिए बहुत ही रिच ग्रेवी बनी है, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है मेरी काठी कबाब की ग्रेवी के अंदर। बाज़ार वाले इस ग्रेवी को तवे पर बनाते हैं क्योंकि वो अपने काठी कबाब को एक साथ तवे पर नहीं डालते हैं, ग्रेवी में नहीं डालते हैं, वो धीरे धीरे अपनी काठी कबाब को ग्रेवी में डालते हैं और उनकी जो ग्रेवी है वो हमारी ग्रेवी को बनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अपने काठी कबाब को ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं और इसको अच्छे से रजने देते हैं जिससे कि हमारी काठी कबाब में मसाला अच्छे से मिल जाए। तो लो फ्लेम पे ही हम इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करते हैं। अपनी ग्रेवी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस पर तड़का ऐड कर लेते हैं जिससे कि एक सुंदर सा कलर हमारी काठी कबाब में आ जाए और इस पर हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं और अब हम अपनी प्लेट तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा तो काठी कबाब विद रुमाली रोटी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई टेस्टी इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय दिस काठी कबाब विद रुमाली रोटी। टेक केयर।